तो हेलो गाइस, की हाल चाल बड़े सब। तो गाइस आज हम फिर से खेलने आ रहे हैं GTA 5। और गाइस आप लोगों की बहुत ज़्यादा ही रिक्वेस्ट पे भाई लोग, मतलब आप लोगों ने भाई इतनी ज़्यादा मतलब रिक्वेस्ट करी है ना मेरे को कमेंट सेक्शन में, भाई मैं बता नहीं सकता हूँ। तो भाई आप लोगों की इसी रिक्वेस्ट पे भाई हम फाइनली भाई लेके आ चुके हैं मारुति 800। और गाइस अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई हम तो अल्टो K10 के लिए बोल रहे थे, अल्टो 800 के लिए। तो गाइस अल्टो 800 और मारुति 800 में कुछ ज़्यादा इतना फ़र्क है नहीं, तो इसी वजह से गाइस मेरे को अल्टो 800 मिल नहीं रही थी, तो मैंने मारुति 800 बाय कर ली है फाइनली। और भाई वो हमने कार कहाँ से बाय की है वो मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूँ। तो गाइस अपने घर के पास में एक अंकल जी रहते हैं भाई, उनसे हमने वो कार बाय की है। गाइस मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। आज सुबह ही सुबह मैं जाके भाई बैनी से नहीं सॉरी सीमोन से वो कार हम लेके आए हैं। और गाइस वो कार अपनी बाहर खड़ी हुई है, तो अभी फटाफट से चलते हैं बाहर और आप लोगों को मैं कार के नज़ारे दिखाता हूँ कि अपनी मारुति 800 दिखती कैसी है, क्योंकि भाई आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ही भाई मतलब कमेंट कर करके भाई एकदम से भाई बिल्कुल पागल सा कर दिया था। तो फाइनली यार आप लोगों की इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट है मेरे को लानी पड़ी है। और भाई अपने को अल्टो 800 नहीं मिली थी, तो भाई अभी इसी से काम चला लो यार, क्योंकि मेरे को पता है यार आप लोग बहुत ज़्यादा ही उल्टे सीधे भाई, कुछ लोग तो इतने उल्टे सीधे भाई कमेंट करते हैं भाई कि एकदम से वीडियो बनाने का भाई मन ही नहीं होता है। पर कोई नहीं यार, कुछ बुरे लोग भी होते तो कुछ अच्छे लोगों की वजह से ही भाई हम यहाँ पे हैं। तो फाइनली भाई अपने लिए मतलब अपने पास आ चुकी है मारुति 800, और दिखने में बिल्कुल ओपी लगती है ये, ठीक है। और अंदर से मैं आपको एक बार इसका इंटीरियर दिखा देता हूँ। तो गाइस ऐसा कुछ इंटीरियर है अंदर से, ठीक है। और ये कोई भाई अपना पाकिस्तानी गेमर भाई है जिनकी ये कार है, तो भाई उनको मेरी तरफ से भाई बिग शाउट आउट। और भाई अगर आप कोई वीडियो मतलब अगर देखे तो भाई प्लीज़ कुछ भी अगर बात भी करनी हो तो पहले इंस्टाग्राम पे DM कर देना, उसके बाद ही कुछ मतलब करना। समझने वाले भाई समझ गए होंगे मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो अभी उसको छोड़ते और लेके चलते हैं भाई इसको सीधा ऑफ रोडिंग पे, क्योंकि गाइस आज हम जाने वाले हैं भाई ऑफ रोडिंग करने इस कार से, और देखते हैं भाई मारुति 800 का परफॉर्मेंस ऑफ रोडिंग में कैसा रहने वाला है। क्योंकि आप तक ने मतलब आपने अभी तक तो बहुत सारी गाड़ियों का भाई ऑफ रोडिंग देखी होगी, जो कि मेरे अंदाज से मतलब 1000 CC से ऊपर की कार थी, ठीक है। पर भाई ये 800 CC की कार है, तो देखते हैं यार इसके इंजन में कितनी ज़्यादा जान है। तो वो तो अब भाई ऑफ रोडिंग करके ही पता लगेगा कि ये जो मारुति 800 है भाई कितनी ज़्यादा मोस्ट पावरफुल कार रहने वाली है ऑफ रोडिंग के मामले में। बाकी आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को क्या लगता है कि ये ऑफ रोडिंग के लिए भाई ये कार बनी है या नहीं। अब मेरे को लग रहा है कि इसको थोड़ा सा मॉडिफाई हमें कराना चाहिए था ऑफ रोडिंग के लिए, पर कोई नहीं, अभी भाई सब कुछ स्टॉक में है, मतलब इसके टायर वायर सब स्टॉक टायर है, ठीक है, जैसे कंपनी से आते हैं वैसे ही है। तो अभी इसको हम लेके जाने वाले हैं भाई सीधा वहाँ पे। और भाई अपनी कार तो एकदम ओपी लग रही है, वो भाई ठुकते ठुकते बची है पर ठुक तो गई है। तो अभी भाई माउंट चिलियार्ड पे तो हम इसको लेके चलते हैं, ठीक है। और माउंट चिलियार्ड पे भाई असली ऑफ रोडिंग टेस्ट वहाँ पे पता लगता है कि भाई कार का परफॉर्मेंस कैसा रहता है, क्योंकि यार ये छोटे मोटे पहाड़ों पे भाई अपन लोग नहीं जाते हैं यार, अपन लोग तो भाई अभी मतलब एक्सट्रीम लेवल की भाई ऑफ रोडिंग करते हैं, तो इसी वजह से। और भाई ये लो भाई जाते जाते इसका पूरी तरीके से बैंड बज चुका है। तो अभी भाई फटाफट से मैं सोच रहा हूँ कि भाई पे जाके आपको मिलता हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी आई थिंक से, क्योंकि ऑफ रोडिंग करने में भी बहुत टाइम लगेगा। तो इसी वजह से सीधा मैं आपको वहीं पे जाके मिलता हूँ। और कार को भी मेरे को अभी रिपेयर कराना पड़ेगा भाई, आगे से पूरी एकदम से डैमेज हो रखी है बहुत ही गंदे तरीके से। हाँ तो गाइस अभी भाई हम लोग आ चुके हैं फिर से, और भाई बीच में गाइस गेम थोड़ा सा क्रैश हो गया था, तो कोई नहीं। तो भाई अभी चलते चलते मैंने सोचा कि क्यों ना भाई स्पीड टेस्ट भी इसका कर ही ले लग गया, तो क्योंकि भाई अभी रोड पर ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं है, अब पता नहीं क्यों नहीं है। तो अभी देखते हैं इसका टॉप स्पीड भाई क्या निकल के आने वाली है, क्योंकि यार ये भी करना बहुत ज़रूरी रहता है। और इसकी भाई थोड़ी सी हैंडलिंग बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, क्योंकि भाई इसमें जो अपना जो लेटेस्ट वाला हैंडलिंग आती है वो नहीं है, तो इस वजह से हैंडलिंग मतलब बहुत ही ख़राब है इसकी, क्योंकि पुराने स्टाइल की है, ओल्ड स्टाइल की हैंडलिंग है इसमें। तो इसके टॉप स्पीड भाई 130 है, 132 के गाइस अराउंड है इसकी टॉप स्पीड, 133 भाई थोड़ी बहुत अपग्रेड भी अपग्रेड करा के मेरे को लग रहा है 140 तक ये जा सकती है। तो गाइस अभी यहाँ से भाई ये रोड अपना स्टार्ट होता है ऑफ रोडिंग के लिए। तो अभी सबसे पहले तो मैं मार्क लगा देता हूँ GPS वाला, क्योंकि यार GPS लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे ना कई सारे रोड हैं, तो इस वजह से क्या होता है कि भाई कभी कभी हम गलत रास्ते चले जाते हैं, तो इस वजह से। तो गाइस अभी अपनी ऑफ रोडिंग यहाँ पर हो चुकी है स्टार्ट, और अभी तक तो बढ़िया चल रहा है, एकदम परफॉर्मेंस एकदम बढ़िया है, ठीक ठाक दे रही है। अभी तो असली ऑफ रोडिंग तो अभी भाई अभी स्टार्ट का हुई है, ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखते हैं भाई क्या होने वाला है। और हाँ भाई लोग एक चीज़ आप लोगों से थोड़ी सी मेरे को ये बोलनी थी कि भाई
मेरे को ना ये चीज़ देख के बहुत ज़्यादा ही बुरा लगता है कि भाई 96% बंदों ने भाई चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, जो भाई मेरी वीडियोस डेली देखते हैं, रेगुलरली मतलब देखते हैं, ठीक है। तो भाई अगर आप लोग यार मतलब सब्सक्राइब करने में भाई कोई दिक्कत है तो बताओ यार मेरे को कमेंट सेक्शन में कि हाँ भाई हमें यह दिक्कत है, क्योंकि यार सब्सक्राइब करने का बटन एकदम फ्री है भाई, दबा दो उसको ज़ोर से और भाई मज़ा आ जाएगा एकदम से दबाने पर। तो भाई जिस किसी ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा यार कर दो भाई फटाफट से, भाई 15K सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दो यार, भाई इतना आगे तक लेके आया तो थोड़ा सा और से भाई 15K करवा दो यार फटाफट। तो गाइस अभी बात करते हैं अभी वीडियो पे, तो भाई अभी तक तो भाई कार का परफॉर्मेंस बढ़िया था, पीछे थोड़ा सा दिक्कत दी थी इन्हें चढ़ने में, जो कि भाई एक नॉर्मल सा था, ठीक है, बहुत ही नॉर्मल सा। तो मेरे को लग नहीं रहा है कि ये माउंट चिलियर्ड तक जाने वाली है, क्योंकि यार इसका परफॉर्मेंस देख के ही लग रहा है मेरे को। और भाई ये 800 cc की कार है, तो यार इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट भी हम नहीं कर सकते, पर अभी देखते हैं। बाकी भाई ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह इसका काफ़ी सही है, गाड़ी कहीं पे भी टच नहीं हो रही है ज़मीन पे, क्योंकि काफ़ी ऊंचा है इसका ग्राउंड क्लियरेंस। भाई ये वर्ड बोलने में ना मेरे को इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है यार, मैं क्या बताऊँ आप लोगों, पर भाई बोलना पड़ता है यार, भाई वीडियो बनाने के लिए भाई क्या क्या नहीं करना पड़ता है, अब ये सोचो भाई इतनी गर्मी में बैठ के पंखे को बंद करके भाई फ़ैन ऑफ करके भाई वीडियो बनाना भी एक मामूली बात नहीं है यार गाइस। तो यार आप लोग भी मतलब थोड़ा सा भाई सपोर्ट दिखाया करो यार, लाइक वाइक कर दिया करो, ताकि भाई मेरे को भी थोड़ा अच्छा लगे। ओ भाई ये देख रहे हो शेर जा रहा है भाई, भाई कार के अगर शीशे बंद ना हो ना तो ये भाई अटैक कर देगा हम पे, अभी इससे पहले अटैक करे हम फटाफट से इधर से निकल लेते हैं। और भाई ये भाई फॉरेस्ट वालों की गाड़ी आ रही है, तो इनसे थोड़ा सा सेफली, और इनके सामने तो भाई सल्लू भैया बिल्कुल नहीं बनना है, क्योंकि यार अगर अपनों ने डियर को मार दिया ना भाई तो सीधा जेल हो जानी है भाई अपने को भी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भी भाई डियर को मारने पे जेल है, यहाँ के गवर्नमेंट के कुछ रूल हैं उसकी वजह से, तो आप यहाँ पर डियर को नहीं मार सकते हो, तो इस वजह से बहुत ही केयरफुली भाई हमें गाड़ी चलानी पड़ती है यहाँ पर। तो अभी तक तो बढ़िया चल रहा है, परफॉर्मेंस एकदम मस्त है, तगड़ा दे रही है, अभी आगे देखते हैं भाई क्या होने वाला है। तो गाइस यहाँ पे भाई ये जो चढ़ाई है ना, यहाँ पे बहुत सी कार मतलब इतनी गंदे तरीके से हकती है, और मेरे को लग रहा है ऐसा सा थोड़ा थोड़ा फील हो रहा है कि मारुति 800 भी भाई कर दिया भाई कचड़ा कर दिया भाई, 800 cc की कार से और क्या ही एक्सपेक्ट करोगे आप, जो कि भाई यहाँ पर मारुति कह रहा हूँ टाटा सफारी डिकोर या आई थिंक से स्ट्रोम, इन दोनों में से कोई सी कार नहीं चढ़ पाई थी, तो मतलब आप सोच सकते हो भाई कितनी मतलब ख़तरनाक सी चढ़ाई है, क्योंकि ये चढ़ा दी मतलब ये कार मतलब ये चढ़ाई जिसने भी चढ़ गई ना जो कार, समझ लो उसने पूरा ऑफ रोडिंग पास कर लिया, और यही सबसे ज़्यादा टफ है यहाँ पर। तो गाइस बहुत ज़्यादा ही कोशिश करने के बाद भी भाई ये ऑफ रोडिंग नहीं कर पा रही है जैसे कि आप लोग देख रहे हो मतलब, तो एक बारी फिर से हम ट्राई करते हैं, तो लेट्स सी भाई देखते हैं क्या होने वाला है। और भाई साहब मेरे को तो लग नहीं रहा बिल्कुल भी कि ऑफ रोडिंग कर पाएगी ये, भाई प्लीज़ चढ़ जा यार। तो गाइस फुल एक्सीलेटर पे पैर मैंने रखा हुआ है मतलब, और भी देखते हैं यार कि क्या होने वाला है, भाई चढ़ जा प्लीज़। गाइस भाई अपन ने सारी ट्रिक यहाँ पे लगा के देख ली है, और ये कार भाई चढ़ने का नाम ही नहीं ले रही है यहाँ पे, तो एक बारी फिर से ट्राई कर लेते हैं यहीं से। तो एक बारी मैं सोच रहा हूँ रिवर्स में देखते हैं चढ़ा के, क्योंकि कुछ गाड़ियाँ भाई रिवर्स में चढ़ जाती हैं, ऐसा मैंने मतलब रियल लाइफ में बहुत बारी देखा है, जो कि फ्रंट से नहीं चढ़ पाती मतलब और रिवर्स में चढ़ जाती है। तो ओ भाई रिवर्स में तो यहीं पर नहीं चढ़ रही है, तो घंटा वहाँ पर चढ़ेगी, तो अभी देखते हैं थोड़ा सा। गाइस बिल्कुल भी भाई पिकअप नहीं ले रही है, बिल्कुल भी रिवर्स नहीं जा रही है, चली जा भाई। तो गाइस यहाँ पर थोड़ी सी इनने भाई अपनी वो दिखाई है, पर मेरे को लग नहीं रहा है कि रिवर्स में भी चढ़ पाएगी। भाई दम तोड़ रही है इसका इंजन, दम तोड़ रहा है भाई साहब, भाई दम तोड़ने वाली है गाइस, इसका इंजन पूरी तरीके से दम तोड़ चुकी है यहाँ पर, मतलब दम तोड़ दिया है इसके इंजन ने, और अब ये इससे आगे नहीं जा रही है। तो भाई लोग
अभी मैं क्या ही कर सकता हूँ यार, मतलब ये कार इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जा रही है। तो अभी भाई मेरे को एक चीज़ ये समझ में नहीं आ रही है कि आप लोग यार, मतलब जब भाई कोई कार नहीं चढ़ रही है तो उसकी मेरी क्या गलती है, या वो कोई भी मतलब जो चीज़ मैं करना चाह रहा हूँ वो उसको प्रॉपरली नहीं कर रही है, तो भाई उसमें मेरी क्या गलती है। आप लोग भाई मेरे को उल्टा सीधा मत बोला करो यार कमेंट सेक्शन में, बहुत ज़्यादा ही भाई दिल से बुरा लगता है। तो भाई कोई नहीं, अभी इधर छोटी सी ऑफ रोडिंग कर लेते हैं यार, क्योंकि माउंट एलियार्ड पे तो भाई ये कार को जाना है इम्पॉसिबल एक तरीके से। अभी के लिए फ़िलहाल तो अपग्रेड मतलब अपग्रेड करने के बाद आई थिंक से चली जाए, पक्का श्योर नहीं हो भाई मैं। तो गाइस छोटी मोटी ऑफ रोडिंग के लिए तो ठीक ठाक है ये, ठीक है, और सिटी विटी में चलाने के लिए ठीक है। बस भाई माउंट एलियार्ड पे नहीं जा सकती क्योंकि इसकी इतनी औकात नहीं लग रही है कि ये माउंट एलियार्ड पे जा सके, क्योंकि यार बाकी हमने जितनी भी कार था तक हम लेके गए हैं भाई सारी कार चली गई थी, और मारुति सुजुकी स्विफ्ट भी जा चुकी है भाई ऑफ रोडिंग मतलब माउंट एलियार्ड के टॉप पे, पर भाई ये कार आई थिंक से ही जाने वाली है वहाँ पे। भाई देख रहे हो यहाँ पे भी इसका दम सा निकल रहा है। तो भाई सामने वाली पहाड़ी पे क्या चढ़ पाएगी, देखते हैं यार। माउंट एलियार्ड ना सही तो माउंट एलियार्ड का छोटा भैया ही सही, देखते हैं यहाँ पे चढ़ जाएगी या नहीं, क्योंकि ये जो इसका जो पहाड़ है वो इतनी ज़्यादा मतलब ऊंचाई पे नहीं है, और थोड़ी सी जो चढ़ाई है वो उस तरीके से बनाई गई है कि इजली तरीके से चढ़ जाए, क्योंकि भाई माउंट एलियार्ड पे एकदम खड़ी चढ़ाई, आप देख रहे हो वो रास्ता देख रहे हो वो वाली, वो सीधा माउंट एलियार्ड पे जाता है। तो भाई आप सोच सकते हो यार, मतलब वहाँ पे गाड़ी चढ़ाना एक तरीके से इम्पॉसिबल ही है। तो बस गाइस आज की वीडियो भी फिलहाल यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि यार आई थिंक से वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी होने वाली है। तो होप सो गाइस आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो गाइस मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।